ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे बोलते हैं। बेसिक रीजन एबेंडन मेयर ऑफ फार्नस, तीन साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था। 10 स्टेप रिएक्शन है। सबसे पहले यहाँ पे ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जैसे ये कन्वर्ट हुआ था तो एटीपी ब्रेक डाउन हुआ था एडीपी में। एटीपी ब्रेक डाउन हुआ था एडीपी, फॉस्फेट ऐड हुआ होगा तो एटीपी टूटेगा। एक जब भी फॉस्फेट ऐड होगा ना, जब भी फॉस्फेट ऐड होगा तो एटीपी टूटेगा। जब भी फॉस्फेट रिमूव होगा तो एटीपी बनेगा, हो सकता है एनएडीपीएच बने। हेक्सोकाइनेज एंजाइम की नीड थी और मैग्नीशियम एज ए कोफैक्टर। हेक्सोकाइनेज एंजाइम को कोफैक्टर कौन सा चाहिए? मैग्नीशियम आयन। ये एनसीईआरटी में बात लिखी नहीं हुई है तो लिख लेंगे कि यहाँ पे कौन सा कोफैक्टर चाहिए होता है हेक्सोकाइनेज को? मैग्नीशियम, डेट इज Mg2+ इज यूज एज अ कोफैक्टर। क्या यूज होता है मेरे बच्चे? Mg2+। फिर मैंने आपको कहा जी ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेट इज ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड कन्वर्ट हो गया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, इसके पास कितने कार्बन है मेरे बच्चा? 6 कार्बन। अब इसमें एक और फॉस्फेट जुड़ेगा तो एक एटीपी दोबारा टूटेगा। एक एटीपी टूटा बट फॉस्फेट कहाँ ऐड हुआ? शुगर में। अब एक बात याद रखना, एक इंजाइम का नाम होता है काइनेस। ये इंजाइम का नाम कहीं भी आ जाए, कहीं भी आ जाए, चाहे वो बायोटेक हो, चाहे वो बायोमोलिक्यूल हो, चाहे वो अपना फिजियो, प्लांट फिजियो, चाहे एनिमल फिजियो, कहीं भी मेरे पास वर्ड आ जाए ना काइनेज एंजाइम, तो मुझे याद रखना है काइनेज एंजाइम हमेशा 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 फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन करवाता है। जहां भी वर्ड क्या आ जाए, काइनेज एंजाइम आ जाए, मुझे क्या याद रखना है कि काइनेज एंजाइम हमेशा 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 फॉस्फेट ग्रुप की क्या करवाता है? एडिशन करवाता है। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा? फ्रुक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट। काइनेज एंजाइम दोबारा यूज होगा। अब यहाँ पे आ गया टूटने वाली रिएक्शन। 6 कार्बन थे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, अब ये 6 कार्बन टूटेगा तीन तीन कार्बन के दो कंपाउंड में। एक्चुअली ट्राइओस फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आपस में रिवर्सिबल रिएक्शन करते हैं। दो एरो का मतलब पता है क्या है? कि ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कैन बी कन्वर्ट इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को काफी बार नीट डीएचएपी ढाप लिख देते हैं। डीएचएपी मैं बोलती हूँ ढाप, क्या बोल देती हूँ? ढाप। और ग्लिसरल्डिहाइड को लिख देते हैं G3P। तो एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि G3P कैन बी कन्वर्टेड इंटू ढाप और ढाप कैन बी कन्वर्टेड इंटू G3P। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आपस में कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन शो करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ ब्रेकिंग डाउन हुई, इस स्टेप में सिर्फ क्या हुई? ब्रेकिंग डाउन हुई, 3 कार्बन में ब्रेक हो गया। अब सुनना ध्यान से, प्लीज ध्यान से सुनना। ट्राइओस फॉस्फेट, फॉस्फेट था ना, एक फॉस्फेट ग्रुप था, बट गया ना एक इसमें और एक धाप में, एक इसमें गया और एक धाप में गया। हाँ सुनो ध्यान से, कितना फॉस्फेट ग्रुप था? एक फॉस्फेट ग्रुप। अब ये कन्वर्ट होगा 2 में। अरे जब भी फॉस्फेट चाहिए तो एनएडी टूटेगा। अब ये हम याद होना चाहिए कि एक एनएडी 3 एटीपी के इक्विवेलेंट होता है। नीट के लिए 3 ही याद रखना है, ठीक है? एक एनएडी 3 एटीपी आएगा भी अपना आगे। ग्लिसरल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट से क्या बन जाएगा? क्या पढ़ लिया हमने? 20 फॉस्फेट आ गया ना। कितने फॉस्फेट आ गए? 20 फॉस्फेट आ गए। 20 मतलब 2, 20 मतलब 2। अब दो पेपर में क्वेश्चन आ जाए किस पे है, आप बोलोगे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। कौन सी पोजीशन है? पहली और तीसरी पोजीशन, पहली और तीसरी पोजीशन। अब आप बोलोगे तो एनसीईआरटी का है ही नहीं। अरे एनसीईआरटी ने साफ साफ बोला है फॉस्फेट ग्रुप पहली पोजीशन पे और तीसरी पोजीशन पे है। अब यहाँ से होगा क्या? जो पहली पोजीशन का फॉस्फेट ग्रुप था ना, वो एडीपी से उसको होगा प्यार। पहली पोजीशन वाले फॉस्फेट ग्रुप को पहले पहले है ना, वो एडीपी कहेगा अरे यार तू तो पहले बेंच पे बैठेगा, फॉस्फेट कितना सुंदर लग रहा है, कितनी सुंदर लग रही है, तो क्या हो जाएगा उनको? प्यार। और फिर क्या बन जाएगा? एटीपी। और बच क्या जाएगा? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो पहले वाला एटीपी तो गया, जग गई, पहले वाला फॉस्फेट ग्रुप तो गया लगा लो। चलो अब यहाँ पे क्या हुआ? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो गया ग्लिसरेट आयन में और 2-फॉस्फो। यहाँ पे देखो आइसोमराइजेशन हुई है 3 से 2 पोजीशन पे। तो जब भी हमारे पास, याद रखना, पोजीशन चेंज होती है तो
फॉर्मूला तो सेम रहता है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है ना, तो हम बोलते हैं आइसोमर बनते हैं। तो आइसोमर फॉर्मेशन में हमेशा एक एंजाइम यूज होता है आइसोमिरेज। कौन सा नाम यूज होता है? आइसोमिरेज। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से जब फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट बना था ना, तब भी आइसोमिरेज नाम का एंजाइम यूज हुआ था। तो आपके सिलेबस में जितने भी आइसोमर्स फॉर्मेशन हो रहे हैं ना बायोलॉजी में, तो सब एंजाइम यूज हो रहे हैं। हमारी बॉडी में कभी भी आइसोमर बनता है तो हमेशा क्या यूज होता है? एंजाइम। एंजाइम आर नोन एज बायो कैटलिस्ट। तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसो मिरेज। क्या बोलते हैं मेरे बच्चा? आइसो मिरेज बोलेगी उस केस में उसको। क्या बन गया? 2-फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। अब यहां से पानी जी को कर देंगे बाय बाय, पानी निकल के चला गया। अब सुनना, 2-फॉस्फोग्लिसरेट से पानी गया तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड। देखो इनॉल वर्ड आया, इन एक्चुअली किसको इंडिकेट कर रहा है? डबल बॉन्ड को। अब यहाँ पे इन्होंने कहीं लिखा तो है नहीं डबल बॉन्ड। अब नीट में लेकिन क्वेश्चन आ सकता है। इस स्टेप को बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन, रिमूवल ऑफ वॉटर। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। जब भी डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी तो पानी का रिमूवल होगा और क्या बनेगा? 2-फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट। अब सुनना ध्यान से, डिहाइड्रेशन रिएक्शन जब भी होती है ना, हम हमेशा पढ़ते हैं डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इवन आपने पढ़ा भी है अल्कोहल से इथीन, इथेनॉल से इथीन बनता है। H2SO4 डालते हैं, वो पानी को ले जाता है। बस रिलेट कर लो, बहुत है इतना रिलेट करना। जब भी पानी का रिमूवल हो रहा है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो रही है, हमेशा डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, साथ में अल्कोहलिक ग्रुप भी आ रहा है। अब जो ये सेकेंड पोजिशन पे फॉस्फेट ग्रुप है ना, इसको किससे प्यार होगा? एडीपी से। दोबारा क्या बन जाएगा? एटीपी। दोबारा क्या बन जाएगा? एटीपी। अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया? पाइरुविक एसिड में। अब एक ग्लूकोज से एक्चुअली कितने पाइरुविक एसिड बने? दो। जो ये वाला हाफ है ना, यहां से लेके यहां तक, इसके अंदर सबसे सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है। और जो ये वाला हाफ है ना नीचे, जिसमें मैंने रेड मार्क किया है, एक्चुअली ये प्रोड्यूसिंग फेज है। यहाँ पे सब कुछ क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है। ऊपर वाला फेज कैसा था? कंज्यूमिंग फेज था। तो मेरे पास क्वेश्चन आ जाए कि 2-ट्राइओस फॉस्फेट से लेके, ट्राइओस फॉस्फेट से लेके पाइरुविक एसिड, तो कैसा फेज है? प्रोड्यूसिंग। यहाँ पे एनर्जी इवॉल्व हो रही है, एटीपी इवॉल्व हो रहा है, तो ये कैसा फेज है? प्रोड्यूसिंग फेज है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज। क्या वर्ड आएगा? एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज। ऊपर वाला फेज कैसा है? एनर्जी कंज्यूमिंग फेज, जहां पे एनर्जी क्या हो रही है? कंज्यूम हो रही है। क्या हो रही है? कंज्यूम हो रही है। तीन तरीके है भाई, जो पाइरुविक एसिड बना सेल कैसे हैंडल करेगा। पाइरुविक एसिड किस प्रोसेस से बना? ग्लाइकोलिसिस से। अगर पाइरुविक एसिड को लगता है मेरे पास है अल्कोहल, मेरे पास है अल्कोहल, चलो तब बनेगी जब यीस्ट होएगी। अब यीस्ट तो बॉडी में होती नहीं है, छोड़ दो एक बार, वो तो बाहर का केस है, फर्मेंटेशन का केस है। वो फर्मेंटेशन का अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं उसको। लेकिन बॉडी में जब ऑक्सीजन नहीं है तो पाइरूवेट कहता है पागल समझे मुझे, ऑक्सीजन नहीं और मैं तुम्हें एनर्जी दूंगा? ऑक्सीजन दो एनर्जी लो, गिव एंड टेक रिलेशनशिप, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं। कहते नहीं है ऑक्सीजन तो मैं बनाऊंगा लैटिक एसिड, तुम्हें करूंगा दर्द, ताकि तुम्हें दर्द हो और तुम दुखी हो, और ना लो ऑक्सीजन, भागो और तुम्हें दर्द होगा। तो क्या बनता है? लैटिक एसिड। लेकिन आपकी अंदर भरपूर ऑक्सीजन की मात्रा है तो बन होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन होगा? ऊपर लाइन देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, 32 to 38 ATP, ठीक है। नया डाटा बोलता है 32 ATP, पुराना डाटा बोलता है 36 ATP, और लीवर सेल के अंदर और हार्ट सेल के अंदर 38 ATP। इसलिए मैंने क्या बोल दिया? 32 to 38 ATP रेंज बोल दी, ठीक है। अब सुनना, फर्मेंटेशन के अंदर हमेशा कौन सी एक कंडीशन होती है? एनारोबिक कंडीशन, जहां तो बहुत कम ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन नहीं है। इसलिए जब भी दारू बनाई जाती है ना, ढका जाता है उस टैंक को। आप पढ़ोगे क्लास 12 में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, फर्मेंटर टैंक देखोगे आप, फर्मेंटर टैंक ढके हुए होते हैं, 500 से 1000 लीटर तक के टैंक होते हैं। एनसीईआरटी ने साफ साफ फोटो बना के दिखा रखे ढके हुए टैंक होते हैं, बिकॉज एनारोबिक कंडीशन नहीं होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि यीस्ट लगा लो सैक्रोमाइसिस सर्विस, वो फर्मेंटेशन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगी ही नहीं। इसलिए कभी भी आपको फर्मेंटेशन करवानी है, घर में दारू बनानी है, तो अपने दारू वाले टैंक को क्लोज रख के बनाना, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला कि फर्मेंटेशन हो रही है एनारोबिक कंडीशन में, बहुत सारे प्रोकैरियोट्स के अंदर, इवन यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर भी फर्मेंटेशन
फर्मेंटेशन कहाँ हो रही है? एनरोबिक कंडीशन में, बहुत सारे प्रोकैरियोट्स में, इवन यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर भी हो रही है। देखो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में ना बेस्ट एग्जांपल बच्चे अपना यीस्ट है, बेस्ट एग्जांपल यीस्ट है। यीस्ट फंजाई होती है, फंजाई यूकैरियोट होती है, और यीस्ट तो अपना आप एक्सेप्शन पढ़ते हैं, यूनिसेलुलर फंजाई है फंजाई टॉपिक में, तो लिख लो यूनिसेलुलर यूकैरियोट में अपना बेस्ट एग्जांपल कौन है? यीस्ट है। प्रोकैरियोट में तो बड़े सारे बैक्टीरिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो अगर आपको चाहिए कंप्लीट ऑक्सीडेशन में बनेगा CO2 और पानी, तो फिर होएगी अपनी क्रैब साइकिल, जिसको हम बोलते हैं एक और नाम से, हंस क्रैबलेट साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल, या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन की एक इंपॉर्टेंट साइकिल। इसमें चाहिए ऑक्सीजन की सप्लाई, याद रखना ग्लाइकोलिसिस में कहीं भी देखा ऑक्सीजन ऐड हो रही थी, तो ग्लाइकोलिसिस एक इंपॉर्टेंट पाथवे रेस्पिरेशन का, चाहे वो ऑर्गेनिज्म एरोबिक है चाहे वो एनारोबिक है। तो हम एक असर्शन आ जाए मेरे पास, क्या ग्लाइकोलिसिस एनारोबिक में होती है? अरे एनारोबिक के लिए तो ये जान है, यही तो होती है सिर्फ। अब आ गया हम फर्मेंटेशन पे, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा पड़ेगा फर्मेंटेशन में। देखो फर्मेंटेशन की जब हम बात करते हैं, जैसे कि यीस्ट भैया, चलो यीस्ट दीदी बुरा मत मानो, यहाँ पे क्या होती है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है, याद रखना। अगर आपको चाहिए कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो तो ऑक्सीजन सप्लाई होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, एरोबिक कंडीशन। लेकिन अगर मेरे पास है ऑक्सीजन सप्लाई लिमिटेड क्वांटिटी में, तो मैं बोलूंगी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है। किसकी? ग्लूकोज की। ग्लूकोज की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन किस कंडीशन में अचीव होती है? एनारोबिक कंडीशन में। किस कंडीशन में अचीव होती है? यहाँ पे बड़े सारे सेट ऑफ रिएक्शंस लगाते हैं, जहां पे पाइरूविक एसिड किस पे कन्वर्ट हो जाता है। और एक बात हमें हमेशा याद रखनी है, एंजाइम्स ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम बोलते हैं एंजाइम्स को बायोकैटलिस्ट, ऐसे उन्हें इतना बड़ा दर्जा नहीं दिया बायोकैटलिस्ट। अरे बॉडी में कोई रिएक्शन बढ़वानी है ना, तो एंजाइम के बिना नहीं होएंगे, ये एंजाइम नहीं है तो डाइजेशन भी नहीं होगा, रेस्पिरेशन भी नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है एंजाइम्स। एंजाइम का नाम है पाइरूविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, और कौन है? अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। ये इस रिएक्शन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं। क्या करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि जहां भी वो डीहाइड्रोजिनेज आ रहा है, वैसे आप अब अदर रिएक्शन देखो, बहुत सारे बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं पाइरूविक एसिड से। प्लीज इस लाइन को हाईलाइट करो, ये क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आ सकता है, क्या बैक्टीरिया भी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं? क्यों नहीं प्रोड्यूस करेंगे? बहुत सारे बैक्टीरिया एनरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, याद करो हम पढ़ते फैकल्टेटिव एनरोब, ऑब्लिगेट एनरोब, पिछले लेक्चर में पढ़ा भी था हमने। अब जो एनिमल सेल्स की बात करें, जो बहुत एक्सरसाइज करते हो तो आपकी मसल्स के अंदर एक्सरसाइज के टाइम पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या होती है? इनएडिक्वेट होती है, बहुत कम होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। तो पाइरूविक एसिड किस में रिड्यूस हो जाता है? लैक्टिक एसिड में। किसके थ्रू? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज से। किसके थ्रू? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज से। प्लीज लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का नाम याद रखना, और जो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन है? NADH और H पॉजिटिव। देखो केमिस्ट्री में ना वैसे रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ते हो जो खुद को ऑक्सीडाइज करते, दूसरों को रिड्यूस करते हैं। अब ये स्टेटमेंट मेरे पास प्रूफ करने के लिए आ जाए कि हाउ कैन यू से NADH H पॉजिटिव रिड्यूसिंग एजेंट है, अरे खुद को क्या कर रहा है? खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, दूसरों को रिड्यूस कर रहा है। देखो खुद को ऑक्सीडाइज कैसे कर रहा है? खुद ये बन रहा है NAD में, होगी ना ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी? ऑक्सीडेशन। तो ये छोटा सा बात है बिल्कुल कि हाउ कैन यू प्रूव कि NADH का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो NADH रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप बोलोगे यहाँ से H भाग गया, जब भी H छोड़ के जाएगा तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो खुद का ऑक्सीडेशन किया, दूसरों का रिडक्शन किया, तो NADH कैसा एजेंट हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिड्यूसिंग वर्ड, जो भी वर्ड होता है ना, वो दूसरों के लिए यूज होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो दूसरों को ऑक्सीडाइज, खुद को रिड्यूस। आप पढ़ चुके हो केमिस्ट्री में। अब दोनों प्रोसेस है, चाहे वो लैक्टिक एसिड है चाहे अल्कोहल फर्मेंटेशन है, भाई इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती, लेस देन 7%। प्लीज हाईलाइट दिस पॉइंट, जितनी ग्लूकोज में टोटल रिलीज होती है ना, उससे भी लेस देन 7% इस प्रोसेस में रिलीज होती है। और ये प्रोसेस क्या है? बहुत ज्यादा हजार्डस है। हजार्डस समझ रहे हो?
देखो यीस्ट क्या कर लेती है, खुद को क्या कर लेती है, जान से मार देती है, पता है आपको, खुद को जान से मार देती है अगर अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाए, 13% से भी ऊपर हो जाए। अब इसने बोला कि क्या होगा मैक्सिमम कंसंट्रेशन अल्कोहल की अगर कोई बीवरेज को हम नेचुरली फर्मेंटेड कर रहे हैं। देखो ये वाला पूरा टॉपिक माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर अपना है, अब फटाफट इस पे आ जाओ। ये अपने को जो लाइन में बना के दिखा रखा है ना, ये पूरा का पूरा है अपने पास ग्लाइकोलिसिस पाथवे। क्या पाथवे है? ग्लाइकोलिसिस पाथवे। याद क्या रखना है आपको, चाय पाइरुविक एसिड से बने लैटिक एसिड, चाय पाइरुविक एसिड से बने इथेनॉल, दोनों के अंदर ही एनएडीएच इसका रोल प्ले कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट का। ध्यान से देखो, एनएडीएच रिड्यूस होके क्या, ऑक्सीडाइज होके क्या बना रहा है, एनएडी। मतलब ये पाइरुविक एसिड को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। पाइरुविक एसिड को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो प्लीज रिमेम्बर, अगर मेरे पास पेपर में आ गया पाइरुविक एसिड की रिडक्शन से बना इथेनॉल या ऑक्सीडेशन से बना, कितना सिंपल क्वेश्चन है, पाइरुविक एसिड की रिडक्शन से बना, ऑक्सीडेशन से बना इथेनॉल। रिडक्शन पता है क्यों इजी क्वेश्चन है, पाइरुविक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप। इथेनॉल में तो अल्कोहल होता है, फंक्शनल ग्रुप। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड से इथेनॉल बनता है ना, वैसे भी रिडक्शन नहीं होती है। बट यहाँ पे हमें थोड़ा सोच के बोलना था, तो नीट में असर्शन रीजन के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है जो नहीं है, लिख लो इसको, नहीं लिखा हो एनसीईआरटी में ये बात।